14 अप्रैल 1990 को ली गई ये तस्वीर बहुत खास है। इस तस्वीर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन के हाथों बाबा साहब को मिला भारत रत्न अवार्ड ले रही हैं। 31 मार्च 1990 को भारत सरकार ने बाबा साहब को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया था, इसलिए 31 मार्च को बाबा साहब को भारत रत्न मिलने के तौर पर भी याद किया जाता है। भारत की सरकारों ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के 33 सालों बाद उन्हें इस सम्मान से नवाजा था। देश के संविधान निर्माता और भारत के निर्माण में बेहद अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अंबेडकर की बहुत लंबे समय तक अनदेखी की जाती रही, जबकि उससे पहले कई लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका था। इंदिरा गांधी ने तो जीते जी खुद को ही भारत रत्न से सम्मानित करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लेकर कांग्रेस सरकार से लेकर जनता पार्टी और गठबंधन सरकारों ने आनाकानी की, लेकिन बाबा साहब के अमूल्य योगदान को असली सम्मान मिला वीपी सिंह सरकार के समय। वीपी सिंह कई दलों के समर्थन से सरकार चला रहे थे। उस समय मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को लेकर भी बहुजन विचारधारा वाली पार्टियां दबाव बना रही थी। इन सबका ही नतीजा था कि वीपी सिंह ने न सिर्फ बाबा साहब को भारत रत्न से नवाजा बल्कि मंडल कमीशन की सिफारिशें भी लागू की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती कई बार कह चुकी हैं कि बीएसपी के दबाव में ही डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, खास तौर से जय भीम वालों को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया और संविधान बनने के बाद तो उनके जीते जी, उनके देहांत के बाद भी तो उनके अनुयायी कांग्रेस पार्टी से वो गुहार करते रहे, अपील करते रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए आपकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब लागू हुई थी? जब 1989 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1989 में हमारे पहली बार 3 मेंबर पार्लियामेंट जीत कर आए थे लोकसभा में। मैं खुद भी 1989 में बिजनौर लोकसभा की सीट से चुनाव जीत कर आई थी। उस समय श्री वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमको कहा कि आप सरकार में शामिल हो जाओ। हमने श्री वीपी सिंह को ये कहा, हम सत्ता में तो शामिल नहीं होंगे, हम आपको भारत से समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारी दो बात माननी होगी। पहला ये कि पिछड़े वर्गों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, आप इसको लागू कर दो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया है, इनको सम्मानित कर दो। तो आप लोगों को जानकर ये अच्छा लगेगा कि उस समय तो हमारे विशेष आग्रह पर श्री वीपी सिंह ने फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में इनको आरक्षण की सुविधा दी और दलितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। दरअसल कांशीराम साहब उस दौर में बाबा साहब को घर घर तक ले गए थे। हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने बाबा साहब के विचारों को न सिर्फ जन जन तक पहुँचाया बल्कि देश की मौजूदा राजनीति में बाबा साहब का कद और भी बड़ा कर दिया। उसके बाद 1984 में बीएसपी की स्थापना से तो बहुजन नायक और बहुजन विचारधारा मुख्य धारा में आ गई। इन सब का असर हुआ कि बाबा साहब को भारत रत्न जैसा बड़ा सम्मान दिया गया। बहुजन समाज में आई जागृति से नेता समझ गए थे कि अब इन लोगों को नाराज करके सरकारें नहीं बनाई जा सकती। दरअसल बाबा साहब को भारत रत्न देने में हुई देरी के पीछे एक सोची समझी साजिश की बू आती है। कांग्रेस और बाकी दल नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का कद भारतीय राजनीति में और बड़ा हो।
बहुत ही शातिराना तरीके से बाबा साहब को पहले सिर्फ दलितों का नेता बताकर प्रचारित किया गया और बाद में उनके योगदान और महत्व को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दिल्ली में देहांत के बाद बाबा साहब का शव मुंबई भेजने के पीछे भी यही कहा जाता है कि नेहरू नहीं चाहते थे कि दिल्ली में बाबा साहब की समाधि बने, क्योंकि दिल्ली सत्ता का केंद्र है। दिल्ली में गांधी की समाधि पहले से थी, इसलिए नेहरू ने बाबा साहब का शव मुंबई भिजवाने के लिए चतुराई दिखाई। अंबेडकरवादी विचारधारा के मजबूत होने का मतलब है बहुजन समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा होना, लेकिन पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। इसके उलट कांग्रेस जैसी पार्टियां चंद दलितों को अपना चमचा बनाकर रखती थी, लेकिन मान्यवर काशीराम के आंदोलन ने बाबा साहब को एक बार फिर से जिंदा कर दिया था। आज बच्चे बच्चे की जुबान पर जय भीम का नारा है और बाबा साहब को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। बाबा साहब अब सिर्फ भारत रत्न नहीं बल्कि विश्व रत्न बन चुके हैं।